हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो लौटी हूँ हेल्पफुल वीडियो के साथ, जिसमें मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ सेटाफिल DAM का डेली हाइड्रेटिंग क्लींजर, जिसका मैं फुल ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो 250 इसकी प्राइस है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करते हैं तो काफ़ी डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो इसी के रिलेटेड फुल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके इस सब प्रोडक्ट के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है गाइस तो थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पर मैं सारी स्टेप बाय स्टेप इस फेस वो सॉरी मॉइस्चराइज़र के बारे में बात करूँगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेशन लोशन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो कॉम्बिनेशन ड्राई है समथिंग, जो स्किन होती है सेंसिटिव होती है बहुत ज़्यादा काफ़ी होती है, तो उनके लिए हमें प्रोडक्ट चूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो सेटाफिल का जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, तो ये सेंसिटिव स्किन और जो कॉम्बिनेशन स्किन है वो स्पेशल इन्हीं के लिए है। अगर अदरवाइज़ मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे ऑल स्किन टाइप है ये। तो यहाँ पे मैं सारी ही आपको इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप डायरेक्ट वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा ये लोशन होने वाला है आपकी स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन है, अगर आप ऑयली स्किन की बात कर लूँ तो सेटाफिल ने ऑयली स्किन के लिए भी क्लिनजर भी लॉन्च किया है, एंड जो मॉइस्चराइज़र है वो भी लॉन्च किया है, और हाल ही में ही अभी सीरम भी लॉन्च की है। तो यहाँ पे अगर आप स्किन केयर के जो आप शुरू करना चाहते हैं तो आप ज़रूर सेटाफिल के प्रोडक्ट से शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी करता है। कोई अगर इसके साइड इफ़ेक्ट में बात कर लूँ तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट मुझे अभी तक कोई देखने को नहीं मिले हैं। माना कि मेरी ये फ़र्स्ट पैकेजिंग है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी गाइस, क्योंकि मैं बिल्कुल ही ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और स्किन में इजीली अब्जॉर्ब भी हो जाता है। कुछ ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और स्किन में ईजिली भी अब्जॉर्ब हो जाता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी स्किन में कुछ लगा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो हम काफ़ी बार ऐसे मॉइस्चराइज़र की तलाश में रहते हैं जो हमारी स्किन पर दिखे ना, कोई वाइट कास्ट ना छोड़े। तो यहाँ पे नो वाइट कास्ट प्रोडक्ट है ये। अगर आप लगाते हैं, कोई भी वाइट कास्ट स्किन में नहीं छोड़ता। कुछ वाइट प्रोडक्ट होता है वो हमारी स्किन में नहीं रह जाता है और बिल्कुल ही सेम अप्लाई होता है, यानी कि हर जगह पे बराबर अप्लाई हो जाता है ये। अगर इसके बेनिफिट्स की बात कर लूँ तो ये स्किन को आपको हाइड्रेट करने का भी काम करता है, एंड अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। अगर आप जॉब करती हैं और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वजन पड़ता है काम का, तो आप इसको ज़रूर से यूज़ करें, क्योंकि ऐसी वुमेंस के लिए स्किन केयर बहुत ज़रूरी हो, रूटीन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे घर के कामों में इतनी हीटिंग होती है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन है ना वो डैमेज हो जाती है। तो स्किन को हाइड्रेट रखने का ये बहुत अच्छे से काम करता है जो ये लोशन है। तो मॉइस्चराइज़र लोशन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है उन गर्ल्स के लिए भी जो 18+ हो गई हैं और स्किन केयर अपना स्टार्ट करना चाहती हैं। तो इस लोशन से और इस मॉइस्चराइज़र से ज़रूर आज से ही स्टार्ट करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सेटाफिल का ऑयली स्किन क्लिंजर लीजिए। अगर आपकी कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन है तो आप वो जेंटल क्लिंजर लीजिए, एंड अगर आप सीरम को स्किप करना चाहते हैं बिल्कुल स्किप कीजिए। जो एक बहुत मोस्ट जो प्रोडक्ट होता है हमारा सनस्क्रीन, अगर आप मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपकी सुपर डुपर हाइड्रेट स्किन रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक